और सबसे पहले मैं सभी को थैंक यू बोलूँगा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर 800 प्लस हो गए हैं, और मैं आशा कर रहा हूँ जल्द से जल्द मैं 1000 पहुँचूँ, क्रॉस करूँ। आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा तो बिल्कुल पहुँचूँगा। गाइस देख सकते हैं कि ये पंडाल की ऊंचाई जो है कितनी बड़ी हुई, कितना बड़ा पंडाल है और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस मैं हूँ सौरभ, का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पटना स्टैंड पे। दुर्गा पूजा का व्लॉग्स काफ़ी को लोग लाइक कर रहे हैं और आज मैं आ गया हूँ लोधीपुर दिखाने के लिए यहाँ का अपडेट, और ये है पार्ट 5। आशा करते हैं कि ये भी वीडियो काफ़ी अच्छा जाएगा, आप लोग देखेंगे तो बने रहिए वीडियो में, सीधे चलते हैं पंडाल। देख सकते हैं कि ये पंडाल की ऊंचाई जो है कितनी बड़ी हुई, कितना बड़ा पंडाल है और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। लोग काफ़ी लगे हुए हैं, जो भी लेबर है वो लगे हुए हैं, और ये लोधीपुर का अपडेट है। यहाँ इसके पीछे सिटी सेंटर है, इस पंडाल के पीछे थोड़ा आगे सिटी सेंटर है जो भी अभी तक नहीं खुला है, और चलते हैं पंडाल के अंदर, और पंडाल के अंदर दिखाते हैं आपको अपडेट की कैसी मूर्ति बन रही है और क्या क्या तैयारी चल रही है। मैं पंडाल के बिल्कुल नज़दीक आ गया हूँ, ये बहुत ही भव्य पंडाल बनता है यहाँ पर, अब बहुत ही शानदार तैयारी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने कार्य में, और आप इस पंडाल की ऊंचाई देखिए, काफ़ी बड़ा पंडाल बना रहे हैं, और यहाँ देखिए लोग लगे हुए हैं अपने पंडाल के निर्माण में। और मैं आपको मूर्ति दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि मैं हर एक व्लॉग में चाहता हूँ कि मैं आपको मूर्ति दिखाऊँ। ये देखिए गणेश जी की मूर्ति, और ये काफ़ी पेंट हो गई है, मेरा पहला व्लॉग है जो कि इतना ऑलमोस्ट अपडेट हो गया है। मूर्ति माँ दुर्गा की प्रतिमा, जय माता दी, ये शेर की प्रतिमा है, और ये बहुत ही सुंदर ही प्रतिमा बन रहा है यहाँ पर, और बहुत ही जल्दी कम्प्लीट होने का लगता है यहाँ पर, सबसे जल्दी यहाँ कम्प्लीट होने वाला है। ये लोधीपुर का एरिया है फ्रेंड्स, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपका लोधीपुर का, और ये पंडाल कि मैं अंदर खड़ा हूँ। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, डिज़ाइंस बन रहे हैं। मैं गाइस बता दूँ कि ये लोधीपुर का गोलघर चौराहा है, जो बगल में गोलघर है वो एरिया है यहाँ पर, थोड़ा आगे सिटी सेंटर मॉल खुलने वाला है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा पंडाल बन रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे जस्ट पीछे मूर्ति बनी हुई है, यहाँ की मूर्ति तैयारी चल रही है, और काफ़ी अच्छे मूर्ति बन रहे हैं और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। और मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर बन रहे हैं जो कि रेडी होने वाला है कुछ दिनों में, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर क्या है। लोग यहाँ लगे हुए हैं देख सकते हैं आप, और ये है गोलघर, इस साइड है। अगर मैं आपको एड्रेस बता दूँ तो ये आप मैं बता देता हूँ, ये अगर बाहर निकलते हैं पंडाल से तो इस साइड हो जाएगा राजापुर पुल जो कि आगे जाता है, और इस साइड हो जाएगा गोलघर। अब आपको क्लियर हो जाएगा पंडाल की ऊँचाई, देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया पंडाल बनाया जा रहा है यहाँ पर। मैं दूर से दिखाता हूँ फिर आपको, ये देखिए बहुत ही बढ़िया पंडाल, अभी तक जितना मैंने व्लॉग बनाया वो सबसे पंडाल के अगर बात की जाए तो सबसे बढ़िया पंडाल यही है। ऊपर तक लोग चढ़े हुए पंडाल बना रहे हैं इस बार दुर्गा पूजा में। काफ़ी था लोधीपुर का गोलघर एरिया का जो पंडाल है उसका अपडेट, और मैं नेक्स्ट टाइम दूसरे एरिया का अपडेट दूंगा। काफ़ी लोग प्यार कर रहे हैं दुर्गा पूजा के व्लॉग से, ऐसे ही प्यार देते रहे मुझे, ऐसे ही लाइक करते रहे, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, जय माता दी।